कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राज्य सरकार का बचाव किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो नेम प्लेट है वो रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है सर माथे पर है, और लेकिन सरकार का भी एक नैतिक दायित्व है कि संविधान में प्रदत्त धार्मिक भावना का सम्मान करे और उनके जो तेज त्योहार है वो निर्विघ्न संपन्न हो। यदि सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करती रहेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश है उसका अक्षरशः वो पालन करेगी, लेकिन उनके धार्मिक भावनाओं को चोट ना पहुंचे, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, सरकार इसका भी देख रेख करती रहे, ये भी उसका दायित्व है। जब ये फैसला आया था तब इस पर भेदभावपूर्ण है, राजनीतिक तौर पर विरोधियों ने ये सवाल उठाए। अभी इसकी समीक्षा बाकी है, जब समीक्षा हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद बात करने के लिए। और दिनेश शर्मा सीधे तौर पर इस फैसले की बात, समीक्षा की बात कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो कांवड़ मार्ग पर जो कांवड़ यात्रियों की खास तौर से धार्मिक जो उनका एक राइट है उसका भी उल्लंघन ना हो, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, यानी राज्य सरकार का भी वो बचाव करते नजर आए हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।